मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय कालकूट नामक वेश निकला, जो कि भगवानों के हिस्से में आया। सभी देवी देवता घबरा गए कि इस विष का पान कौन करेगा। तब शिव शंकर ने जग कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए इस विष का पान किया और अपने गले में इसे समाहित कर लिया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ भगवान भी कहा जाता है। इस विष का प्रभाव इस तरह उनके शरीर में हुआ कि उनका पूरा मस्तिष्क और शरीर गर्म हो गया। इस गर्मी को कम करने के लिए सभी देवताओं ने शिव जी पर जल अर्पित किया, इसलिए हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। और साइंटिफिकली जल एक इलेक्ट्रोलाइट है, जो किसी भी तरह की शक्ति को वायु से अधिक तीव्रता से फैलाता है, और जब जल शिवलिंग से टकराता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। इसलिए भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। आशा करती हूँ मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।